पर्यटक स्थल मांडू के पास काकड़ा खो में 13 जून को एक युवक की लाश काकड़ा खो की खाई में अज्ञात शव 16 वर्ष के बालक का मिला। मांडू पुलिस द्वारा तहकीकात की गई, जिसमें मीडिया के माध्यम एवं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मांडव थाने की पुलिस द्वारा तहकीकात, जबलपुर पुलिस को मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से मांडव पुलिस से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की तो अज्ञात बालक की पहचान अतुल मिश्रा उम्र 16 वर्ष जबलपुर की हुई। मृतक के परिवार एवं माता पिता द्वारा उन्हीं के जमाई पर हत्या का आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी लड़की का लव मैरिज हुआ है एवं उसके बाद से ही उनकी लड़की को उनका जमाई दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। घर वालों का कहना है कि उनके जमाई के साथ उनका लड़का गया था, उसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटा। मांडू से विनीत यादव की रिपोर्ट। दो आप, आपका ही बालक था वो जिसने काकड़ा खो में बेटा था अतुल मिश्रा जी जी। ये 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे घर से निकला है। ये इसको फ्रॉड तरीके से अपने पास बुला के और गुपचुप तरीके से यहाँ ला के इसने इसके साथ किसने बुलाया था अभिषेक मिश्रा ने। कौन थे ये? ये मेरा दामाद है। किस कारण से आपके बेटे के साथ? मेरे पहले शादी हुई थी, ये दहेज की डिमांड कर रहा था जो कि हमने नहीं दिया था। इसका प्रेम विवाह था लेकिन फिर भी प्रेम करके ये फोर्स करवा रहा था कि तू मुझे दहेज दिलवा। हम लोग नहीं दिए, मशक्कत मना कर दी, इसलिए इसने बदला लिया है। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये मांडो थाने पे हादसा हुआ है अभी पता चली मुझे। मुझे मेरे TI राकेश कुमार तिवारी जी ने फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है करके। आप कहाँ के निवासी हो? मैं जबलपुर से हूँ जी। आपका नाम? मेरा नाम निर्मला मिश्रा है। आप अभी आरोपी को और प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? मैं गुहार लगाती हूँ कि इसको सख्त से इसको फांसी होनी चाहिए और साथ में इसकी माँ, इसकी दोनों बहन और इनके पिता विनोद मिश्रा और इनके जो बहनोई है वो भी सब शामिल है। तो छह जन के ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। एक गौतम को इस कुकृत नाबालिग बच्चे को बहला फुसला के ले जाके और मारने की साजिश में और दहेज के लालच में इसको फांसी की सजा दी जाए। सर, जो 13 तारीख को काकड़ाखो में एक बालक की कूदने से मौत हुई थी या ऐसा कुछ संदिग्ध पाया गया था जिसमें आपने पूरी तहकीकात की, उस तहकीकात में क्या पता लगा सर? 13 तारीख को काकड़ाखो में अज्ञात बालक करीबन उम्र 16 साल की शव मिला था। उसकी शिनाख्त की पूरी कार्रवाई करने के बाद उसकी शिनाख्त के लिए हमने पूरे पत्रकार प्लस गजट प्रकाशन भी किया था और व्हाट्सएप पे भी मैसेज उसके फोटो वगैरह पहुंचाए थे। इसी आधार पे जबलपुर में उस लड़के की पहचान हुई और ये लड़का जबलपुर से 11 तारीख को निकला था और वहाँ पे गुम इंसान और 363 की थाना गढ़ा जबलपुर में कायमी हुई थी। उसी आधार पे उन लोगों ने भी फोटो से पहचान की तो वो जो अपने यहाँ जो शव मिला था वो ही मिलान हुई। उसके आधार पे आज गढ़ा पुलिस जिला जबलपुर की पुलिस आई और पूरी कार्रवाई करने के बाद उनके मृतक के परिवार में पिताजी और माताजी आई, उनने फोटो, कपड़े, अंगूठी और तावीज के आधार पे उसके अपना पुत्र होने की पहचान की। पहचान पंचनामा हमारे द्वारा बनाया गया और उसके बाद शव धार में दफना दिया गया था। आज उत्खनन की कार्रवाई करके शव उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। सर, इसमें उनकी माता का कहना है कि उनके जमाई का हाथ है इसमें। हाँ, ये लड़का जो है वो अपने जीजा अभिषेक के यहाँ जो पीथमपुर में काम करता है आयशर कंपनी में, ऐसा बताया है। ये बोल के आया था कि मैं जीजा से मिलने जा रहा हूँ तो संभवतः इसके जीजा का इसमें हाथ है, ऐसा परिवार का कहना है। आगे की विवेचना गढ़ा पुलिस की जाएगी, वो ही खुलासा करेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये पता लग गया कि मर्डर ही है या आत्महत्या थी, ऐसा कुछ? ये तो गढ़ा पुलिस ही बताएगी विवेचना के बाद कि वास्तव में इसके जीजा ने